हेलो बच्चा लोग, केमिकल काइनेटिक्स जेई एडवांस PYQ इस बारी 2005 का क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि T1/4 कैन बी टेकन एज द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू 3/4, है ना। बेसिक से करते हैं, झूठ मूठ का बढ़ाने में गड़बड़ हो जाएगा। 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, टू टू मतलब इतना रह गया है अब, है ना। तो टाइम को बोल देते हैं T1/4, है ना। तो 1/4 घटा है, बट फाइनल फाइनल कंसेंट्रेशन तो 3/4 R0 है। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाता है बहुत लोगों से। और फर्स्ट ऑर्डर है क्या वो, इफ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, बिना ऑर्डर के तो अपने से हो ही नहीं पाता है। तो और फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग को पता है ln R0 / R final इज इक्वल टू के इंटू टी। टी को T1/4 यहाँ बोल रहा है, बोलने देते हैं, क्या ही जा रहा है ना। तो के टर्म्स में आंसर बताना है, तो बता सकते हैं R0 / RF कैसे निकालना है। R0 / RF ये 3 R0 / 4, 4 ऊपर चल जाएगा, R0 किया, ln 4/3 इज इक्वल टू के इंटू T1/4। तो T1/4 क्या आ रहा है यहाँ से, T1/4 इज इक्वल टू ln 4/3 डिवाइड बाई के। तो ln 4/3 का वैल्यू निकाल लीजिए भाई साहब, तो 2.3 इंटू log 4/3 बोल देते हैं। और log 4/3 क्या होता है, log 4 - log 3, ठीक है। log 4 होता है log 2 का स्क्वायर और log 2 होता है 0.3। और ऐसे log 4 का डायरेक्ट वैल्यू भी किसी को अगर याद है तो अच्छी बात है, 0.606 होता है। log 3 जो होता है वो होता है 0.48, ठीक है। तो ये वैल्यूज जनरली दिए होते हैं, है ना, बट अपने को इट इज़ एक्सपेक्टेड कि log 2 3, ये सब बेसिक वाले वैल्यू एटलीस्ट पता हो, इंटू 2.3। तो ये आ रहा है 0.12, तो 0.12 इंटू 2.3 आंसर है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 28 आ रहा है ना। तो पॉइंट लगा देंगे तो 29 हो जाएगा, है ना। ये अगर देखा जाए तो ये ऐसा आ रहा है, तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उसको डिवाइडेड बाय अगर 1000 कर दिए तो 280 पॉइंट समथिंग है, ये तो अपना आएगा 0.28, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है एक्चुअली ना। ऑप्शन अगर आसपास नहीं है तो टाइम पास नहीं करना है कि एक्यूरेट निकाले जा रहे हैं, 3 डिजिट तक निकाल रहे हैं, 2 डिजिट तक निकाल रहे हैं, बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है। क्लियर कट दिख रहा है कि यही है। दूसरा बात, क्या हम लोग को पहले से याद है कि T½ क्या होता है, जस्ट ट्रिक बता रहे हैं। क्या ये T½ होता था, फेमस फॉर्मूला, तो बताइए। हाफ में इतना टाइम लगता है तो 1/4 बनने में, है ना, ये आधा टूटने में, 1/4 टूटने में मतलब कम ही टूटना है, इससे कम टाइम लगना चाहिए। 0.69 से नीचे कितना है, ये गया ये गया, इन दोनों में डिसाइड करना था। और क्योंकि 1/4 टूटना है मतलब इसका भी आधा टूटना है, तो 0.6 का लगभग आधा आंसर होना चाहिए। लगभग आधा वाला कौन है, ये, ठीक है। तो किसी को दूर से दिखना चाहिए कि भाई ये 0.69 से नीचे होगा, और ऐसा लग रहा है कि आधा टूटने में 0.69/K होता है, तो 1/4 टूटने में कितना लगेगा, 0.69/K का आधा, तो लगभग 0.3। तो वो भी एक अप्रोच होता है, बट हाँ ये कर करके समझ आता है कि ऑप्शंस अगर इतना दूर है तो चांस ले सकते हैं, और अगर टाइम कम है एग्ज़ाम में, जो कि होना नहीं चाहिए, जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम होता है आपको क्वेश्चन छोड़ने के लिए और काफ़ी टाइम होता है करने के लिए, तो ये 1 मिनट लग रहा है तो कर ही लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, बाय एवरीबॉडी।